हाँ तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब बहुत ही बढ़िया होंगे और वैसे मजे में होंगे। तो गाइस आज हम लोग जो है फिर से आ चुके हैं भाई साहब जीटी गेम को कंटिन्यू करने। वैसे जिन लोग को पता नहीं है भाई पिछले वाले एपिसोड में आखिर हुआ क्या था, तो गाइस पिछले वाले एपिसोड में हम लोगों ने जो है मार्टिन की बेटी को भाई साहब डगन के चंगुल से बहुत ही खतरनाक तरीके से बचा के लेके आए थे। और भाई बचाते वक्त भाई साहब हमें वहां पे काफी सारे पैसे और गोल्ड मिल चुके थे भाई, जिसको कि आज हम लोग जो है यहाँ पे हमारे सीक्रेट बेस पे ट्रांसपोर्ट करने के लिए लेके आए थे। और वैसे गाइस हम लोगों ने जो है सारे गोल्ड पैसे वैसे सब कुछ जो है हमारे सीक्रेट बेस में रख दिया है। और गाइस सबसे बड़ी मजे की बात यह है कि भाई वहां पे जो रेंज रोवर थी ना गाइस, रेंज रोवर के भी हम जो है लेके आ चुके हैं भाई। मैं अभी आपको थोड़ी देर में ही दिखाऊंगा भाई कहाँ पे रखी है। वैसे इन लोगों ने जो है सारे काम वाम निपटा दिए हैं, जितने भी गोल्ड्स थे भाई सबको हमारे सीक्रेट बेस पे रखवा दिया है। और अभी मैं जो है आपको अपना सीक्रेट बेस भी दिखाऊंगा भाई। वैसे सीक्रेट बेस कुछ ज्यादा ही सीक्रेट जगह पे है भाई साहब। आप लोग को वैसे देख के थोड़ा सा चौक जाएंगे आप लोग, पता नहीं ये कहाँ पे कैसा सीक्रेट बेस बना दिया। वैसे अभी सारी अनलोडिंग जो है वो तो हो चुकी है और अभी इन लोग को जो है बस हमारे एक नए सीक्रेट बेस पे जाना होगा गाइस, क्योंकि यहाँ पे व्हीकल्स रखने के लिए कोई जगह नहीं है गाइस। इसलिए जो है हम जो ये गाड़ियां जो के लेके आए हैं गाइस, ये वाले गन वन लगे हैं भाई यहाँ पे। अगर यहाँ पे कुछ हो गया तो भाई फिर लेने के देने पड़ सकते हैं, इसलिए इन गाड़ियों को ऐसे खुले पे तो हम छोड़ नहीं सकते। इसलिए हम जो है इन सबको सीक्रेट बेस पे रखने वाले हैं, एक और सीक्रेट बेस। और कुछ दिनों के लिए गाइस हम लोग भी जो है अंडरग्राउंड होने वाले हैं गाइस, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ही मतलब कि खतरनाक माफिया के अड्डे पे भाई साहब अटैक कर दिया भाई। और वो जो है अभी हमारे खून का प्यासा बन चुका है भाई, इसलिए हम लोग जो है कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर रहने वाले हैं, क्योंकि कभी भी हमारे ऊपर अटैक हो सकता है। ये देखो भाई यहाँ पे गेट तो इन लोगों ने बंद किया नहीं भाई, सारे गोल्ड बोल्ड रखा दिए पर गेट बंद नहीं किया भाई। छोड़ो अभी ये लोग तो बंद करके निकल ही जाएंगे। तब तक गाइस मैं जो है आपको अपना सीक्रेट बेस दिखाता हूँ भाई आखिर है कहाँ पे। माइकल दादा तो अपने रेंज रोवर में चले जाएंगे। पता नहीं इन लोगों ने गाड़ी ऐसे क्यों पार्क कर रखी है भाई, वो यहाँ पे कीचड़ आधा ऊपर रख के फिर भाई वो गाड़ी के बोनट पे बैठा है भाई, उसको जिंदगी के थोड़ा सा भी डर नहीं है भाई। छोड़ो पता नहीं रेंज रोवर को भाई पहले ही दिन मसाला ऑफ रोडिंग के लिए निकाल रहा हूँ यहाँ पे। छोड़ो ये तो वैसे ही बना है भाई इन सारे रास्तों के लिए। चलो गाइस मैं जो है सीधे आपको अपने सीक्रेट बेस पे लेके जाता हूँ। ओ भाई साहब फुल ऑफ रोडिंग हो जाएगी गाइस। चलो चलो कोई बात नहीं आराम से भाई, रेंज रोवर के लिए बस ये तो खेल है भाई, खेल है, कोई बड़ी बात है नहीं वैसे। अबे ये कौन सा जानवर है? ओ भाई साहब हमला वमला तो नहीं करेगा ना भाई? पता चले भाई नए रेंज रोवर पे आके आज सीधे सिंह ही मार दे यहाँ पे। ओ भाई पता नहीं कैसे पहाड़ में बना रखा भाई लेस्टर ने। ऐसे गाइस ये जो सीक्रेट बेस है अभी अभी बनवाया है, बहुत दिन नहीं हुए, लेस्टर ने छुपते छुपते यहाँ पे बना दिया है। किसी को पता भी नहीं चलेगा भाई यहाँ पे आखिर है क्या, किसी को शक भी नहीं जाएगा कि यहाँ पे जाने का क्या मतलब बनेगा। वैसे यहाँ पे कोई आता जाता नहीं है इसलिए तो सीक्रेट बेस है ना गाइस। अरे यार मैं हैंड ब्रेक डाल के रख देता हूँ भाई गाड़ी। चलो गाइस यहाँ पे गाड़ी को हमने जो है रख दिया है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ भाई अपना सीक्रेट बेस आखिर यहाँ पे है क्या चीज है भाई साहब। पैसे एकदम भर डाले हैं यहाँ पे हमने। ओके तो गाइस जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो भाई हम लोग जो है आप पहुंच चुके हैं हमारे सीक्रेट बेस के अंदर भाई साहब। माइकल दादा शायद बाहर ही रुक चुके हैं। और गाइस जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो भाई सिक्योरिटी गार्ड एकदम तगड़े तगड़े लगवा रखे हैं यहाँ। लेस्टर ने पता नहीं यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स कब लगवा दिए, मुझे तो पता ही नहीं भाई। लेस्टर वैसे काफी ज्यादा फास्ट है भाई, उसे नहीं हमें यहाँ पे बोला कि यहाँ पे जो है गोल्ड और कैश वैश सब कुछ यहाँ पे रखवा दो। और देखो गाइस एक नहीं दो नहीं भाई 5-10-12 गार्ड्स जो है यहाँ पे लगवा रखे हैं भाई लेस्टर ने। ये भाई साहब यहाँ पे लेस्टर तो नहीं, नहीं 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 भाई शायद कोई नहीं है। लेस्टर जो है यहाँ से भाई साहब सिक्योरिटी मतलब कि कैमरा से यहाँ पे नजर रखे हुए। ये देखो भाई चारों तरफ बस सिक्योरिटी कैमराज लगे हैं गाइस। और मैं आपको दिखाता हूँ भाई गोल्ड वोल्ड और पैसे वैसे सब कुछ कहाँ रखवा दिए। वैसे ये देखो गाइस वहां पे जो है सारे पैसे एकदम बिखरे पड़े थे भाई, यहाँ पे लाके थोड़े से सजा के एकदम रखवा दिया है भाई। और वैसे यहाँ पे इन पैसों को शायद जगह ही नहीं भाई रखने के लिए, इसलिए फिर से यहाँ पे जमीन पे गिरा दिए इन लोगों ने। पैसे को भी जगह नहीं हुई और ये गोल्ड वोल्ड को भी जगह नहीं हुई भाई, नीचे गिरा दिए। छोड़ो इन वैसे अंदाजा लगा कि मैं तो नहीं बोल सकता आखिर ये कितने होंगे, बट मुझे तो ऐसा लगता है भाई लगभग 80 मिलियन के ऊपर तो होंगे भाई, श्योर 80 मिलियन रुपीज के ऊपर तो ये जरूर होंगे भाई, गोल्ड को और पैसों को सबको मिला के एकदम 80 से अब जरूर होंगे। तो छोड़ो भाई इन पैसों को जो है अभी हम लोग खर्च नहीं कर सकते भाई, अगर ऐसे यूज करेंगे भाई लेस्टर इन सब पैसों की जो है ब्लैक मनी है ना भाई, इन सबको व्हाइट कर पाएगा लेस्टर अपने तरीके से। वैसे मैं जो है अभी चलने वाला हूँ भाई हमारे सीक्रेट बेस पे। तो गाइस हम लोग जो है अभी जाने वाले हैं भाई अपने सीक्रेट बेस पे और वहां पे जाके ही कुछ दिनों के लिए हम लोग जो है अंडरग्राउंड हो जाएंगे भाई, किसी के सामने वामने नहीं आएंगे हम। और वैसे माइकल दादा भी आके यहाँ पे बैठ चुके हैं हमारे रेंज रोवर पे भाई साहब। चलो गाइस
भाई यहाँ पे आना जाना एकदम काफी ज्यादा मुश्किल है भाई। कोई अगर यहाँ पे चोरी करने की सोचेगा भी ना भाई, ये रास्ता देख के उसका, ये सुअर को भाई मैंने 2 बार देख लिया, मार दूंगी ऐसा। लेकिन नहीं भाई, जानवरों को वैसे खामखा क्यों मारू यहाँ पे भाई, कीचड़। और हम लोग का यहाँ पे ज्यादा आना जाना वैसे रहने वाला है नहीं गाइस, हम लोग जब काम पड़ेगा तभी आएंगे इस तरफ। और वैसे यहाँ पे इस तरफ जो है गाड़ियां वाड़ियां भी एकदम काफी कम आती हैं भाई, लोगों को शक तो नहीं हो रहा होगा ना भाई, यहाँ पे चल क्या रहा है भाई, इतनी गाड़ियां, वो भी खतरनाक गोलियां वोलियां लगी है भाई गाड़ियों में। छोड़ो छोड़ो, कोई किसी पे शक नहीं करेगा भाई, मैं इन लोग को बोल देता हूँ भाई, तुम लोग निकलो यहाँ से, हम थोड़ी देर में आते हैं। ये लोग सबसे आगे जाएंगे, माइकल दादा भी चले जाएंगे भाई इन लोग के साथ। हाँ तो गाइस जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो भाई, सारे ड्राइवर्स जो हैं यहाँ पे रेडी हो चुके हैं भाई, और सभी अपने अपने रास्ते निकल रहे हैं भाई, मतलब कि उसी सीक्रेट बेस पे ही जा रहे हैं ये लोग भाई। पता नहीं पहले से ऊपर लेके नहीं रख सकते थे भाई, अभी इसकी गाड़ी चढ़ ही नहीं रही भाई, और वो ट्रक्स व्रक्स भी सब जा चुके हैं। हम भी निकलते हैं गाइस आराम से एकदम। छोड़ो छोड़ो, इसने छुड़ा लिया भाई अपने ट्रक को। ओके तो गाइस मैं जो है अभी पीछे से जाने वाला हूँ भाई। और वैसे ये भाई साहब क्या कर रही हैं यहाँ पे? छोड़ो छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, कोई क्या भी करे हमें क्या फर्क पड़ता है गाइस। चलो भाई मैं जो है अभी इस तरफ से जो आने वाला हूँ भाई सीक्रेट बेस पे, वैसे इस तरफ से जो है थोड़ा सा शॉर्टकट पड़ेगा, वो लोग उस तरफ से जा चुके हैं भाई, अभी सीधे वहां जाके ही मिलते हैं गाइस। तो गाइस वैसे जो है वो लोग तो यहाँ पे शायद पहुंच ही चुके होंगे, मैं तो बस अभी कुछ ही देर में बस वहां पे पहुंच जाऊंगा भाई। ये देखो भाई ये लोग भी आ चुके हैं यहाँ पे, आगे सभी रुक रुक चुके हैं शायद। ओ भाई एकदम आराम आराम से आ रहे हैं भाई ये लोग। चलो सभी के सभी आ चुके हैं। एक और ट्रक, पता नहीं एक और ट्रक वहां पे रुक के क्या कर रहा है भाई, पता नहीं सुसु आ गई होगी शायद उसको। छोड़ो गाइस अभी इन लोग को जो है इनका हिसाब किताब क्लियर कर देते हैं एकदम, वैसे आ तो चुके हैं। चलो गाइस मैं जो है इन लोग को इनका पेमेंट कर देता हूँ भाई, क्योंकि इन लोगों ने बहुत काम किया है हमारे लिए। और पेमेंट भाई हम जो है कैश से नहीं देने वाले, हम जो है गोलियों से देने वाले, क्योंकि गाइस इन लोग को जो है हम जिंदा नहीं छोड़ सकते भाई, अगर जिंदा छोड़ दिया तो फिर भाई साहब हमें दिक्कत हो जाएगी। अगर किसी के हाथ ये लोग लग जाते हैं भाई तो ये लोग अपना मुंह खोलने से पीछे नहीं हटेंगे, और हम तो फंसने से भी नहीं हटेंगे भाई, फंस के ही रहेंगे। और पता नहीं ये गाड़ी को मैंने बहुत बार देख लिया भाई। छोड़ो यहाँ पे किसी का बंदे का होगा या फिर किसी का, पता नहीं। चलो गाइस यहाँ पे सारे गाड़ियां जो है हमारे पास आ चुकी हैं, और इन लोग का भी जो है मैंने ठिकाने ही लगा दिया है भाई एकदम से। माइकल दादा और मैं जो है अभी इन सारी गाड़ियों को जो है अंदर रखवा देते हैं गाइस। A few inches later. Okay, तो गाइस जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो भाई, हमने जो है सारी गाड़ियों को यहाँ पे अंदर लाके रख दिया भाई, सिवाय वो 2 ट्रक्स के। और वैसे जो है मैं अपने रेंज रोवर को भी यहाँ पे ले आया हूँ भाई, वैसे गन अंदर रख लेता हूँ, यहाँ पे गन का कोई उतना खास काम नहीं है भाई। गाड़ी बहुत ज्यादा गंदी हो चुकी है भाई, विंडशील्ड को देखो, और यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रैच भी लग गया भाई, वैसे इसको थोड़े दिन बाद रिपेयर करवाएंगे गाइस। वैसे सबसे ज्यादा नुकसान तो भाई इस गाड़ी पे हुआ है, वैसे यहाँ का विंडशील्ड जो है पूरी तरह से टूट चुका है भाई, और शायद पीछे भी थोड़ा सा लगा था, हाँ पीछे का भी टूटा हुआ है। और वैसे ये गाड़ी तो उतना कुछ खास इसका हुआ नहीं है, छोड़ो भाई कोई दिक्कत नहीं है, अभी इस गाड़ी को देख लेते हैं। ये तो ठीक है ना, हाँ भाई यहाँ पे भी गोली लगी है, बट यहाँ पे गैरेज है ना भाई, यहाँ पे सुबह जब मैकेनिक्स हमारे आएंगे तो भाई ये लोग जो है रिपेयर करवा देंगे इन सबको। और वैसे जो है मैं इस गाड़ी को यहाँ पे सही से एकदम पार्क कर देता हूँ भाई, और मैं चाहता हूँ भाई उन ट्रक को उनके ठिकाने लगाने के लिए भाई, क्योंकि प्रूफ कोई बचा रहना नहीं चाहिए भाई साहब। इस गाड़ी को भी सुबह जो है वॉश करवा लेंगे गाइस। तो चलो गाइस मैं जो है अभी इन ट्रक्स को उनके ठिकाने लगा देता हूँ भाई, क्योंकि इन ट्रक को भी ऐसे नहीं छोड़ सकते हम लोग, ये तो हमारे और कोई काम आने वाला है नहीं। वैसे मैं जो है एक काम करने वाला हूँ गाइस, एक सेकेंड म्यूजिक बताने बजने लगा, मैं जो है इन ट्रक्स को एक्सीडेंट करवा के भाई इनका ब्लास्ट कर दूंगा भाई। यहाँ पे थोड़ा सा आगे लेके आ जाता हूँ यहाँ पे। चलो भाई अभी दूसरे वाले ट्रक को लाते हैं और इसके सामने एकदम एक्सीडेंट करवा देते हैं गाइस। चलो गाइस मैं जो है इस दूसरे वाले ट्रक को भी एकदम लेके आ चुका हूँ भाई, और अभी जो है इसको एकदम काफी तेज रफ्तार से जो है मुझे दूसरे ट्रक पे ठोकर मारनी है। अरे भाई साहब ये तो कंट्रोल ही नहीं हुआ भाई। छोड़ो एक और बार रिवर्स लेके आती है फिर एक्सीडेंट करवाते हैं गाइस। चलो भाई अभी एकदम आराम से लेके जाते हैं, इसको ठोक देते हैं। ओ भाई साहब वैसे उतना कुछ तो हुआ नहीं भाई, दोनों ट्रक एकदम सही सलामत हैं। अभी कैसे नहीं होंगे, मैं जो है अभी इनमें जो है स्टिकी बम लगवा देने वाला हूँ भाई। ये देखो ये एकदम 25 है ना भाई,
25 एकदम अंदर, अच्छे से अंदर बाहर हर जगह मैं जो है एकदम परफेक्ट तरीके से लगा दूंगा ये सारे। एक नीचे ही गिर गया, कोई देखेगा तो सोचेगा भाई दोनों ट्रक्स जो हैं आपस में एक्सीडेंट होके जो है ब्लास्ट हो गई यहाँ पे, किसी को पता भी नहीं चलेगा भाई कानों कान, और हम भी एकदम सेफ हो जाएंगे क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड्स का तो उनका ठिकाना मैंने लगवा दिया है भाई। चलो भाई इतना इनफ है, अभी बस यहाँ से मुझे दूर भागना है और भाई सीधे जाके रूम में सो जाऊंगा मैं, अभी बाहर निकलने वाला तो हूँ नहीं मैं। चलो भाई मैं जो है यहाँ पे इसका बटन दबा देता हूँ और लो भाई, अरे भाई साहब अभी 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 इस तरफ गिर के मत आ जाना भाई। ओ भाई यही घर पे नीचे गिरा है, छोड़ो 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 भाई साहब, क्या खतरनाक ब्लास्ट हुई है वैसे। थोड़ा सा सुबह आके देख लेंगे भाई, एम्बुलेंस एम्बुलेंस आएगी, अभी मुझे इन सब झमेलों में नहीं पड़ना, मैं जो है अभी जाके सो जाता हूँ गाइस। चलो गाइस अभी जो है सुबह मिलते हैं आप सबसे। The next morning. तो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी जो है यहाँ पे सुबह हो चुकी है गाइस, और सुबह होते ही भाई साहब मुझे यहाँ पे जो है हमारे घर के बाहर यानी कि हमारे बेस के बाहर भाई साहब पूरी लाशें पीछे पड़ी हुए हैं, और यहाँ पे पुलिस वुलिस भी आ चुकी है भाई, अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है हर जगह। हाँ उस तरफ जो है ट्रक वक गिरे हैं ना भाई, वहाँ पे जाके पुलिस अपना छानबीन कर रही है और लोगों से जो है सवाल ववाल पूछ रही है। मैं तो भाई वहाँ से निकलने वाला हूँ भाई, यहाँ पे रुकने वाला हूँ नहीं मैं भाई। ओ भाई साहब फूल एकदम फोटो वोटो खींच रहे हैं एकदम भाई, प्रूफ इकट्ठा कर रहे हैं कौन है इसके पीछे पता लगा रहे हैं ये सब सारे। आज जो है मैं अपने रेंज रोवर से जो है पूरी खतरनाक वाली ऑफ रोडिंग करने वाला हूँ भाई। सामने आप जो पहाड़ देख रहे हो भाई, आज उन पहाड़ों पे जो है ये कूदने वाली है भाई, कूदते फांदते हम चलाएंगे आज गाड़ी को फुल्ली एकदम। वैसे गंदी तो हो चुकी है भाई, अभी जो है पूरा गंदा करने वाला हूँ मैं इस गाड़ी को, और फिर जो है इसको धोने के लिए जाएंगे भाई। चलो गाइस आप लोग जो है सिनेमैटिक्स में इसको एंजॉय करो, मैं गाड़ी चलाने पे ध्यान देता हूँ भाई। ओके तो गाइस मैं जो है यहाँ पे अपना रेंज रोवर के साथ भाई साहब ऑफ रोडिंग कर ही रहा था भाई कि तभी मुझे यहाँ पे जो है मार्टिन का कॉल आया था गाइस अभी, और उसने मुझे कॉल करके भाई साहब एक खतरनाक सी न्यूज़ दे दी भाई, जिसने कि मेरा दिमाग एकदम खराब कर दिया भाई, आज के दिन को शुरू होने से पहले ही बिगाड़ दिया साले मार्टिन ने ये। इसका ना भाई बहुत हो रहा है भाई, अभी बहुत सहा नहीं जाता भाई साहब। तो गाइस उसने जो है मुझे कॉल करके ये बताया कि भाई अभी अभी जो है एयरपोर्ट में एक कार्गो प्लेन जो है रेडी हो रहा है भाई टेक ऑफ करने के लिए, और कार्गो प्लेन में भाई साहब वहां पे जाने वाली है बहुत ही खतरनाक वाली एयर डिफेंस सिस्टम भाई, और वो एयर डिफेंस सिस्टम किसी और के पास नहीं गाइस, वो सीधे जा रहे हैं डगन बॉस के आइलैंड पे, जिससे कि भाई साहब मार्टिन ने हमें ये बताया कि भाई तुम जाओ उन सबको जैसे भी करके डिस्ट्रॉय कर दो, नहीं तो वो जो है हमें काफी ज्यादा दिक्कत देने वाला है। क्योंकि गाइस मार्टिन का फ्यूचर प्लान ये है कि भाई अभी कुछ ही दिनों में बस वो जो है गाइस खतरनाक व्हीकल्स का जुगाड़ करने के बाद भाई साहब डगन बॉस के अड्डे पे जो है हमला करने वाला है। अभी कुछ ही दिनों में बस वो जो है रेडी हो रहा है भाई साहब उसके अड्डे पे अटैक करने के लिए, और उस अटैक में भाई साहब हम भी शामिल होने वाले हैं, हम कहाँ पीछे छूटने वाले हैं, हम तो मेन कैरेक्टर हैं भाई साहब।
तो गाइस अगर ये एयर डिफेंस सिस्टम अगर उसके आइलैंड पे पहुंच गए तो गाइस हमारा जो अटैक करने का प्लान है भाई वो फेल होने का काफी ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे भाई साहब। इसलिए अभी जो है मुझे एयरपोर्ट पे जल्दी से जाके उन सबको जो है डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। तो गाइस इसके लिए जो है मैं यहाँ पे अपने रेंज रोवर के साथ ही जाने वाला हूँ भाई। मैं जो है इस रेंज रोवर को वैसे अभी लॉस सेंटर्स जाऊंगा भाई। लॉस सेंटर्स में इसको जो है वॉशिंग करवा के थोड़ा सा रिपेयर और मॉडिफिकेशन करवा के भाई साहब मैं सीधे मैं जाने वाला हूँ भाई साहब एमुनेशन की शॉप पे। वहाँ पे जो है कुछ अच्छे बहुत ही तगड़े वाले स्नाइपर्स लूंगा और वैसे पैसे भी जो है मैंने थोड़े से उठा लिए थे भाई कि काम खत्म करके भाई मैं सीधे निकलने वाला हूँ एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट पे जाके भाई उन सबको पता नहीं भाई कार तो वैसे भर भर के लेके आया होगा साला टक्कर बॉस, वैसे वो तो नहीं आएगा ना। बस वहां पे जाके मुझे जो है अटैक करना है भाई और उन सब एयर डिफेंस सिस्टम को भाई साहब जैसे भी करके डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। और भाई वो भी वो प्लेन टेक ऑफ करने से पहले, क्योंकि गाइस अगर एक बार अगर वो प्लेन टेक ऑफ कर गया तो भाई हमें उसका डिस्ट्रॉय करना मुश्किल ही नहीं भाई नामुमकिन हो जाएगा। और वैसे आसमान में उसको डिस्ट्रॉय करना भाई काफी ज्यादा रिस्की भी हो सकता है हमारे लिए। इसलिए जो है अभी हम चाहते हैं भाई वहां पे जाके ही मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा सबको। चलो गाइस मैं जो है सीधे आपको सारे काम खत्म करके मिलता हूँ। सबसे पहले तो जो है मैं यहाँ पे मास्क की दुकान पे जाने वाला हूँ भाई साहब। गाइस इस मास्क के चक्कर में भाई साहब मैं भी डगन बॉस का भी टारगेट बन चुका हूँ भाई साहब। इसलिए मास्क तो जो है बहुत ज्यादा जरूरी है भाई साहब। हाँ तो गाइस मैंने जो है यहाँ पे हमारी गाड़ी को एकदम वॉश करवा लिया और आप लोग को लग रहा होगा कि गाइस ये किसकी गाड़ी है भाई, ये गाड़ी हमारी है। वैसे मैंने गाड़ी को जो है कुछ ज्यादा ही मॉडिफिकेशन करवा दिया हुआ है, गाड़ी का इंटीरियर चेंज करवा दिया, गाड़ी का बाहर का पेंट चेंज करवा दिया गाइस। और वैसे और कुछ भी मॉडिफिकेशन है जो कि गाड़ी स्टार्ट करने के बाद ही आप लोग को दिखेगी भाई। और वैसे जो है मैंने यहाँ पे मंकी वाला मास्क खरीद लिया भाई, वैसे फ्रैंकलिन बहुत ही खतरनाक दिख रहा है। चलो गाइस मैं जो है अभी आपको गाड़ी के अंदर से दिखाता हूँ भाई इंटीरियर में कैसा काम किया है। इंटीरियर तो अभी और भी ज्यादा खास लग रहा है गाइस, ये देखो अभी दिखाता हूँ। ये भाई साहब व्हाइट और ब्लू का एकदम बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है गाइस। एक सेकंड। और गाइस जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो भाई नीचे देखो नीचे भाई साहब नियॉन लाइट लगवा रखे हैं, वो आपको अभी उतने खास तो नहीं दिखेंगे बट रात को भाई साहब गजब की लगेंगे एकदम। वैसे व्हाइट कलर में भाई अलग ही प्रीमियम दिख रही है गाड़ी। वैसे इस खतरनाक गाड़ी को लेके अभी मैं जो है फाइट करने के लिए जाने वाला हूँ, क्या ही बोले भाई हम खुद को, थोड़ा कोई दिक्कत नहीं। वैसे अभी जो है मुझे एमुनेशन की शॉप पे भी जाना पड़ेगा गाइस, क्योंकि एमो चाहिए और हथियार वथियार भी चाहिए हमें और खरीद। वैसे गाइस गाड़ी को जो है इंजन का पावर भी मैंने जो थोड़ा सा बढ़ा दिया भाई यहाँ पे। ओके गाइस मैं जो है यहाँ पे पहुंच चुका हूँ, अभी जल्दी से इस गाड़ी को बाहर रखते हैं। तो चलो गाइस मैंने तो गाइस मैंने जो है यहाँ पे सारे एमो हथियार वथियार जितने भी हो सकते थे भाई, हमारे पास काफी सारा पैसा था तो मैंने जो है भर भर के एकदम खरीद लिया यहाँ पे। और वैसे एक थोड़ा सा हुडी भी खरीद लिया मैंने। चलो गाइस यहाँ पे अभी जल्दी से चलते हैं एयरपोर्ट का, जल्दी से मार्कर लगा देता हूँ गाइस। हाँ तो गाइस मैंने जो है यहाँ पे एयरपोर्ट का मार्कर लगा दिया भाई, अभी बस गाड़ी को भगाना है मुझे क्योंकि भाई साहब प्लेन टेकअप करने का टाइम काफी कम हो रहा है यहाँ पे। अभी कुछ ही देर में शायद टेकअप कर ही जाए भाई और प्लेन उड़ जाए, उसके बाद मैं पहुंचूं तो फिर भाई साहब नुकसान ही है भाई, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा हमारे लिए। चलो गाइस मैं जो है यहाँ पे इस गाड़ी को अभी बहुत ही तेज रफ्तार से भगाऊंगा भाई, काफी कम टाइम है हमारे पास। हाँ तो भाई लोग मैं जो है अभी यहाँ पे पहुंच ही चुका हूँ भाई साहब एयरपोर्ट पे और यहाँ पे वैसे उतना ट्रैफिक तो है नहीं। ओ शिट 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 शिट, ओ भाई साहब फून वून लग चुकी है यहाँ पे, पुलिस ना आ जाए भाई। मैं तो यहाँ पे वैसे भी आया हूँ भाई गंदे काम करने के लिए। तो गाइस मैं जो है यहाँ पे एयरपोर्ट पे पहुंच तो चुका हूँ भाई साहब, पर यहाँ पे थोड़ा सा जो है मुझे आराम से अंदर जाना पड़ेगा भाई, क्योंकि यहाँ पे लोकल बंदों का अलाउ नहीं है भाई। पता नहीं मैं किस मुंह लेके घुस गया अंदर, वही तो है ना भाई, वही तो कुछ कार्गो प्लेन जैसा लग रहा है। ओ भाई देख ही सकते हो आप लोग सामने भाई साहब वहाँ पे नोज वोज एकदम खुले हुए हैं। मैं तो पास जाने वाला हूँ नहीं, एक काम करता हूँ भाई यहाँ से जो है सीढ़ी ढूंढता हूँ भाई और सीढ़ी से ऊपर जाके वहाँ पे चेक करता हूँ कि भाई वहाँ पे आखिर गार्ड्स कितने हैं और कितना खतरा हो सकता है अगर मैं डायरेक्टली ऐसे फाइट लेता हूँ। तो एक सेकंड मैं जो है अपना रेंज रोवर, अरे यार ठुक गए भाई थोड़ा सा, यहाँ पे आराम से जो है इन वर्कर के साइड्स में पार्क कर देता हूँ भाई। अबे यार क्या कर रहा हूँ मैं, चलो 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 ओके। यहाँ पे एकदम सही से भाई एकदम छुपा के रख दिया मैंने, और गन रखो भाई अंदर, ये लोग तो अलग ही चीखने लगेंगे गन देख के। चलो मैं अभी जो है ऊपर जाने वाला हूँ गाइस, वैसे उन लोग से जो है थोड़ा सा छुप के ही मैं यहाँ पे फाइट लेने की कोशिश करूँगा। ओ भाई इस तरफ से तो नहीं जा सकते,
चलो इस तरफ से ही कूद के आगे बढ़ देते हैं। भाई सीढ़ी चढ़ने में आज हालत खराब होने वाली है भाई। वैसे ऊंचा जाना हमारे लिए काफी ज्यादा फ्रूटफुल हो सकता है। चलो गाइस यहाँ पे ऊपर तो आ चुका हूँ मैं, यहाँ पे थोड़ा सा छुप जाते हैं और मैं चुपके से जो है देखो गाइस एमोस हथियार वथियार कोई कोई कमी नहीं है मेरे पास, पूरा फुल एकदम पेटी भर के लाया हूँ सब कुछ। ओके अभी यहाँ से जो है थोड़ा सा एडवांस स्कोप भी लगा है गाइस, यहाँ से आराम से। ओ भाई साहब गाइस यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो भाई गार्ड्स की जो है कोई कमी नहीं है भाई। और यहाँ पे शायद ये जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम है भाई ऐसे कंटेनर में डिसमेंटल करके लेके जा रहे हैं ये लोग। अभी तक तो दो तीन हैं और कुछ लोड हो चुके होंगे ऐसा लग तो रहा है। और यहाँ पे ओ भाई चारों तरफ से बस घेरे हुए हैं भाई साहब। नहीं 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 भाई अगर गलती से भी मेरा स्नाइपर का बटन दब गया ना भाई इन लोग को वक्त नहीं लगेगा मेरा मुंडी उड़ाने में। भाई साहब मुझे यहाँ से फाइट लेने में काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है भाई, यहाँ पे कवर लेने के लिए भी उतना कोई बड़ा जगह है नहीं। अरे यार कैसे डिस्ट्रॉय करूँ भाई इतना बड़ा प्लेन है, ये से गोली से मारूंगा तो थोड़े ना डिस्ट्रॉय होगा। एक सेकेंड मेरे पास ना गाइस एक और आइडिया है। चलो भाई आज कुछ तूफानी ही हो जाए। ओ भाई ये नहीं था तूफानी, छोड़ो कुत्ते फानते चले जाते हैं भाई नहीं गिरेंगे, ऑल डन है। चलो यार ओके तो गाइस मैं जो है यहाँ पे नीचे आ चुका। अबे तू साले फोटो क्यों खींच रहा था बे, बस घूमने आया था। रुक 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 रुक। साले फोटो खींचेगा तू मेरा। ओ गाइस यहाँ पे अभी इनसे फाइट लेना तो भाई नामुमकिन सा लग रहा है भाई। ये लोग जो है गाड़ी भर भर के आए हैं। और गाइस आप लोगों ने नोटिस किया कि नहीं मुझे पता नहीं, मैं आप लोग को कुछ और चीज जो है दिखाना भूल गया भाई। वहां पे आप लोगों ने नोटिस किया कि नहीं भाई जो ब्लैक कलर्स की गाड़ियां हैं भाई साहब, मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रहा हूँ मैं जहां जहां जा रहा हूँ भाई वो ब्लैक गाड़ियां भी आ रही हैं हमारे पीछे पीछे। जब हम लोग हमारे सीक्रेट बेस पे गोल्ड और कैश जब अनलोड कर रहे थे ना गाइस तभी भी मैंने जो है उन कलर की मतलब कि उस ब्लैक कलर की गाड़ी देखा था भाई, क्या नाम है उसका पता नहीं बट आर्मर कार है भाई जहाँ पे हम लोग रुके थे भाई, हमारे गाड़ियों को मैंने जहाँ पे स्टोर किया है वहां पे भी मैंने जो है वो गाड़ियां देखी थी। बट नहीं यार नहीं हो सकता, किसी लोकल बंदे का भी तो हो सकता है ना भाई, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है भाई कोई पीछा कर रहा हो। छोड़ो ये सब बाद में देखते हैं, मैं अभी ढूंढता हूँ भाई कैसे इन सबको उड़ाऊं हैं कैसे खत्म। एक काम करूं क्या गाइस गाड़ी में स्टिक, नहीं भाई नहीं रेंज रोवर की बलि नहीं चढ़ा सकता मैं। हाँ भाई ये गलत आइडिया है, ये नहीं करने वाला मैं। हाँ भाई साहब इतनी मुश्किल से ही तो मिली है रेंज रोवर, इसको नहीं तोड़ सकते हम। अरे कोई प्लेन वेन आ रही होगी तो फिर हो गया खेल पीढ़ी। यहाँ से साइड चलता हूँ मैं थोड़ा सा। एक सेकेंड गाइस मुझे जो है एक मस्त सा आइडिया आ चुका है भाई। यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो भाई तीन जो है फाइटर जेट्स हैं भाई साहब, तो क्यों ना एक काम करें गाइस मेरे पास जो है काफी सारे स्टिकी बॉम्ब हैं ये देख ही सकते हो भाई। एक काम कर सकते हैं भाई यहाँ पे अभी जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो भाई यहाँ पे अभी कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है तो इसका मस्त फायदा उठाते हुए मैं जो है इन प्लेन में भाई साहब स्टिकी बॉम्ब लगवा देता हूँ और ऊपर से भाई इसको टेक ऑफ करेंगे यहाँ से उड़ा के लेके एक राउंड मार के आएंगे और कार्गो प्लेन में भाई साहब सीधे धर देंगे। मतलब कि कार्गो प्लेन के पास जब हम लोग पहुंच जाएंगे भाई तभी इस प्लेन से जो है हम जंप मार देंगे और इस जेट में तो वैसे बम तो लगे होंगे ना भाई, मैं दूर जाके वहां से उस बटन को दबा दूंगा तो भाई ये फूट जाएगा और उसके साथ साथ गाइस वो प्लेन भी उड़ जाएगी और भाई उसका एयर डिफेंस थोड़ा ही बचेगा भाई, उतना तो स्ट्रांग होगा नहीं। और उसके गार्ड्स भी जितने हैं भाई उन सबसे बिना फाइट लिए हम जो है बच जाएंगे और हमारा काम भी हो जाएगा भाई। और इसी को बोलते हैं गाइस सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। चलो भाई बहुत मजेदार, एक काम करते हैं रेंज रोवर वैसे यहीं रहने वाला है कोई दिक्कत नहीं है आराम से भाई, वैसे चलाना आता है गाइस मुझे ये एरोप्लेन उड़ाना आता है। अरे 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 भाई अरे भाई उड़ाना आता है बोल के यहीं पलट देता भाई साहब। छोड़ो यहाँ पे अभी इसको रनवे पे लेके जाता हूँ, वैसे कोई तो कुछ बोलेगा नहीं भाई वैसे। चलो भाई साहब शॉर्ट डिस्टेंस में ही जो है हमारा टेक ऑफ हो चुका है।
चलो भाई मैं थोड़ा सा उसमें से थोड़ा एक्टिंग भी करनी पड़ेगी ना गाइस, ऐसे तो जाके सीधा प्लेन उनके ऊपर ठोकर नहीं मार सकता ना भाई, मुझे फोड़ देंगे ये लोग। अरे यार मैंने इसमें स्टिकी बॉम्ब लगाया नहीं भाई। वैसे इस जेट का एक और फायदा है कि भाई छोटे जगह पे जो है आराम से उड़ सकती है। ओके चलो भाई साहब यहाँ पे मैं जो है स्टिकी बॉम्ब लगवा देता हूँ। वैसे सही ही है भाई, अगर वहाँ पे कोई देख लेता तो भाई सीधे केस वेस ठोक देता, बहुत दिक्कत हो जाती वहाँ पे, खामा का फाइट लेनी पड़ जाती भाई उनसे। यहाँ पे मस्त एकदम सारे जगहों पे भाई जितने भी स्टिकी बॉम्ब हैं सबको लगा दूंगा एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से, इतने इसके इंजन विंजिन में भी लगा दूंगा भाई। वैसे बैठ तो पाऊंगा ना, ये वैसे गन नहीं है शायद भाई, मैं फायर करने की कोशिश कर रहा हूँ बट ये फायर नहीं हो रहे भाई। चलो चलो एकदम भाई पूरा लगा दूंगा मैं। बस मुझे ध्यान इस बात का रखना है भाई कि कीबोर्ड से गलती से बॉम्ब ब्लास्ट होने का बटन ना दब जाए, इसमें हमारा भी खेल खत्म हो सकता है गाइस, क्योंकि जंप मारने का बटन और इस बम का ऑन होने का बटन भाई दोनों साथ ही साथ है भाई, अगर फूटा ना मेरी तो चीथड़े उड़ जाएंगे भाई साहब। ये कर रहा, ये क्या कर रहा था मैं भाई पागल हूँ भाई, मैं बम लगा दिया फिर गन फायर कर रहा हूँ, गलती से गन भी हाथ में आ गया था भाई साहब। चलो ये तो नहीं फूटेंगे ना भाई, वैसे नहीं तो फूटने चाहिए मुझे ऐसा तो लग तो रहा है। चलो यार यहाँ पे हमारा टेक ऑफ जो है गाइस बहुत ही मजेदार तरीके से हो चुका है, अभी बस जैसे भी करके इस प्लेन को मुझे उनके पास पहुंचाना पड़ेगा भाई, और मैं जो है इस तरफ से दूसरे गाड़ी लेके पकड़ चला जाऊंगा भाई साहब। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो भाई मैं जो है यहाँ पे पूरी तरह से तैयार हो चुका हूँ भाई, अभी बस मुझे कुछ नहीं करना भाई, इसको जैसे भी करके यहाँ पे लैंड करवाना है, और वो भी ओ भाई मैं ऊपर ही गिर गया और इन लोग को पता चल चुका है भाई। ओ भाई साहब ये तो गलत सीन हो गया भाई, मुझे इस ऊपर लैंड नहीं करना चाहता भाई। चलो वैसे यहाँ से अच्छे से कवर तो मिल जाएगा, मुझे आराम से मार सकता हूँ इन लोग को। ओ भाई साहब, ओ यार गाइस मैं भागते भागते भाई साहब नीचे गिर गया कैसे भी करके, और इनसे जो है गलत वाली फाइटिंग शुरू हो चुकी भाई हमारी। चलो भाई साहब इनसे इनसे निपट ही लेता हूँ भाई, वैसे भी तो फाइट ही लेनी पड़ेगी ना मुझे, बिना फाइट लिए तो मैं इनका प्लेन जो है डिस्ट्रॉय कर ही नहीं सकता भाई। बट सबसे पहले मेरे पास भाई साहब ग्रेनेड लॉन्चर है ना भाई, इनके ट्रक्स को पहले सबसे जो है मैं डिस्ट्रॉय कर देता हूँ ताकि भाई साहब मेरा काम हो जाए। चलो भाई सब कुछ मैंने यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया है। चलो भाई चलो 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 ऑल डन है, ऊपर चला जाता हूँ भाई, ऊपर चला जाता हूँ, थोड़ा सा कवर मिल जाएगा मुझे वहां पे। ओ भाई यहाँ पे कवर तो बिल्कुल है ही नहीं भाई गाइस, ये लोग जो है चारों तरफ भाई साहब बीत चुके हैं भाई, देख ही सकते हो आप लोग जिस तरफ से देखो बस फाइट यार। और मैं ये क्या गलती कर रहा हूँ भाई साहब, और कौन है यहाँ पे दिखना है जरा। चलो भाई भाई साहब चारों तरफ से भाई बस गन की फायरिंग हो रही है, वैसे मैंने मेरा काम तो कर दिया भाई, ऐसा लगता कि ये लोग खत्म भी हो चुके हैं। ओ भाई ये तो और भी गलत सीन हो गया भाई, यहाँ पे पुलिस आ चुकी है भाई लोग। सबसे पहले जो है मैं इन लोग को मार देता हूँ फिर इनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी लेके जाता हूँ भाई साहब। ओ भाई इनसे फाइट लेना और नहीं पड़ सकता, मतलब कि फाइट ले ही नहीं सकते भाई। ओ भाई जल्दी रिलोड रिलोड रिलोड, चलो गाइस यहाँ पे मैंने इनके सारे बंदों को तो खत्म कर दिया है, भागो भागो भाई साहब भागो। चलो इनकी गाड़ी में बैठ चुका हूँ मैं, बस मुझे यहाँ से भागना है भाई अभी।
ओ यार पता नहीं कैसी गाड़ी पकड़ ली मैंने। भाई साहब गाड़ी में बुलेट रूम नाम की गाड़ी है, बट गाइस भाई साहब बुलेट प्रूफ गाड़ी है बट बुलेट प्रूफ नाम की चीज ही कोई नहीं है भाई। ओ भाई साहब पुलिस भी यहाँ पहुंच चुकी है भाई, बहुत गदर वाली फायरिंग शुरू हो चुकी है मेरे ऊपर। वैसे मैं जो है यहाँ पे इसकी गाड़ी में बैठ तो चुका हूँ भाई, दोबारा इस गाड़ी का टायर पंचर ना करते ये लोग फिर फंस जाऊंगा मैं, यहाँ से भाग ही नहीं सकता भाई। चलो अभी तक तो टायर पंचर हुआ है, वैसे भगा लेते हैं भाई गाड़ी। ओ भाई साहब ये तो रास्ता नहीं है भाई, इस तरफ से तो भाग ही नहीं सकता मैं। अबे अबे चल 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 भाई, ये एसयूवी लेने का यही दिक्कत है भाई, जल्दी से टर्न लोगे तो भाई सीधे झूल झूल के टर्न लेगी ये, इतना ज्यादा ड्रिफ्ट खा रही है क्या ही बोले। इसको चलाना भाई मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा हो रहा है मुझे। वैसे बस तो गया भाई, एयरपोर्ट से बाहर तो आ चुका हूँ, अभी बस मुझे शहर से बाहर जाना भाई साहब। मैं जो है अभी सीक्रेट बेस पे तो नहीं जाने वाला। लो भाई पुलिस वालों की गाड़ी अभी यहाँ पे जो है पहुंच चुकी है भाई साहब। चलो 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 चलो, ओ भाई ये गलत सीन हो गया भाई, पीछे 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 लो पीछे लो पीछे लो पीछे लो। ऐसा लगता है भाई ये गाड़ी भी कुछ ही देर में बस फूटने ही वाली है, मुझे जो है दूसरे गाड़ी का इंतजाम करना पड़ेगा भाई, क्योंकि इस पे काफी ज्यादा गोलियां गोलियां लग चुकी है भाई, हर तरफ जो है गाड़ी टूटने बिखरने लगी है यहाँ पे। ओ सिट 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 सिट, ओ भाई गाड़ी क्या गदर चल रही है भाई साहब। वैसे अच्छी बात ये, क्या हुआ भाई अबे गाड़ी चल क्यों नहीं रही। चलो 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 चल रही है भाई, यहाँ पे टनल वनल अगर कोई दिख जाती तो बहुत बढ़िया बात होती भाई। वैसे थोड़ा सा छुप चुका हूँ भाई, बट हेलीकॉप्टर जो है मुझे देख ही लेगा भाई जैसे भी करके। उस सीट यार इस तरफ ही आ रहे हैं साले, यहाँ पे थोड़ी देर छुप जाता हूँ भाई, क्या पता बच जाऊं आराम से। लो भाई कोई बावड़ी फूस तो जरूर होगा, मुझे पता ही था भाई साहब। वैसे ये गाड़ी अभी तक कुछ नहीं हुई, वह बहुत बड़ी बात है, अभी तक तो चूरा हो जाना चाहिए था, बट गाड़ी चल रही है भाई एकदम फर्स्ट क्लास चल रही है एकदम। चलो 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 चलो, यहां से एक जो है अच्छी सी स्पोर्ट्स कार उठा लेता हूँ भाई साहब। भाई यहाँ से एक स्पोर्ट्स कार मुझे जो है उठानी पड़ेगी, नहीं तो मेरा भागना भाई साहब मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा यहाँ पे। चलो भाई बहुत अच्छी वाली का, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। हाँ ऑफिसर अभी बोलो, अब बोलो अब बोलो भाई साहब, क्या बात है। ज़्यादा हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है भाई, यहाँ पे कोई देखने नहीं आला वाला तुम लोग को। ओ भाई गाने अलग बजने लगते हैं भाई यहाँ पे ऐसी सिचुएशन। ओ चलो भाई यहाँ से जो है मैं भगा लेता हूँ अपनी गाड़ी को। वो भाई सीधे हाईवे पे पहुंच गया, फूटना मत गाड़ी। वैसे ज्यादा दूर आ चुका हूं मैं जो है कॉप्स से। अबे यार नीचे नहीं कूदाना चाहिए था, क्या भाई पुलिस वालों का जो है स्टार यहाँ पे कम हो रहे हैं भाई, अभी जैसा लगता है कि कुछ ही देर में बस बचने ही वाला हूं मैं। ओ सामने से आ रहा है, सामने से आ रहा है, सामने से आ रहा है, पीछे 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 लो पीछे लो पीछे लो। ओ सीटी यार फिर से देख लिया इन लोगों ने, पता नहीं किसी बंदे ने जो है यहाँ पे मेरा फोटो भेज दिया शायद। चलो भाई साहब वैसे बचा तो लूंगा भाई मैं अपने आप को, एक मस्त से ड्रिप छोड़ो भाई, ड्रिप ड्रिप बाद में मारेंगे अभी पुलिस से पीछा छुड़ाते हैं। लो भाई हो गया गेल पीढ़ी, गाड़ी का टायर पंचर भाई साहब। ओ सीट हट हट साले हट, भागना भाई, गाड़ी थोड़ा सा साथ देती है। ओ भाई साहब दोनों टायर पंचर हो चुके हैं भाई, पीछे के तीनों टायर पंचर हो चुके हैं,
गाइस यार यहाँ पे मुझे जो है ट्रेन की पटरी दिख चुकी है, बट मुझे इससे पहले इनकी एक गाड़ी चाहिए। ऑफिसर मुझे आप लोग अपनी गाड़ी जो है दे दो थोड़ा सा। चुप करो, ज्यादा भाषणबाजी नहीं चलेगी भाई यहाँ पे। ओ भाई साहब रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। चलो भाई इसको जो है मैंने मार दिया है, अभी मुझे इसकी गाड़ी चाहिए भाई साहब। चलो भाई मुझे यहाँ पे आराम से ट्रेन की पटरी दिख चुकी है, अभी मैं जो है टनल के अंदर घुस जाऊंगा और भाई साहब बच जाऊंगा आराम से एकदम। बहुत ही बढ़िया बात हो चुकी है, अच्छी गाड़ी भी मिल गई और ऊपर से टनल भी दिख गई भाई यहाँ पे। बट गाड़ी चलाना तो आता नहीं है मुझे। ओ भाई यहाँ पे तो टनल होती है ना भाई, वैसे गाड़ी काफी ज्यादा ड्रिफ्ट खा रही है भाई साहब। टनल का फायदा ये है ना गाइस, आप कहीं भी घुस जाओ ये आपको एक सही रास्ते पे लेके जाती है। बट मैं सब हेलीकॉप्टर वाले देख नहीं पाते, यहाँ पे थोड़ी देर जो है रुक जाता हूँ ताकि पुलिस वाले मेरे जो है लोकेशन खो दे भाई साहब आराम से। सब दो स्टार हो चुके हैं यहाँ पे, थोड़ी देर और रुक जाता हूँ भाई, सब खत्म हो जाएगा यहाँ पे मैटर। और गाइस जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो भाई, सारे स्टार्स जो है मेरे ऊपर से हट चुके हैं। ओ भाई बस ओबे 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 ओबे, आगे आगे चल। ये क्या था भाई, देख लिया था अभी ने। चलो 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 चलो। ऑल राइट गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग जा चुके हैं, बट मुझे जो है ऊपर की तरफ जाना है। अभी थोड़ा सा सायरन की आवाज तो आ रही है भाई, छोड़ो कोई दिक्कत नहीं, अभी जा सकते हैं बाहर। यहाँ पे अभी तो कोई नहीं होगा ना, गेट तोड़ो यार। वैसे मेरा मिशन जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है भाई, मुझे अभी यहाँ पे एक सही सी गाड़ी चाहिए भाई, जिससे कि मैं जो है अपने सीक्रेट बेस पे जा सकूँ आराम से। इस गाड़ी से तो जाना ऐसा बनता नहीं है भाई, किसी की गाड़ी चुरानी पड़ेगी मुझे यहाँ पे जैसे भी करके, नहीं तो हमारा जाना मुश्किल ही नहीं भाई, नामुमकिन सा हो जाएगा। अबे अभी यार गन बन नहीं उतारते हैं भाई। चलो चलो गाड़ी दे दो मुझे भाई, तीन जन बैठे हैं भाई साहब। चुप कर नहीं तो गन दिखा दूंगा तेरे को। लो भाई पुलिस फिर से पड़ गई, वैसे छोड़ो भाई यार, एक दो जो यहाँ की शहर वाली पुलिस होती है ना ये वही पुलिस है, बच लेंगे भाई। ओ भाई ये क्या इलेक्ट्रिक कार है क्या भाई, इंजन का आवाज ही नहीं एकदम, वैसे बहुत सही गाड़ी है भाई। चलो गाइस इन पे ज्यादा ध्यान बिना दिए मैं जो है अभी सीक्रेट बेस का मार्कर लगा देता हूँ सबसे पहले। चलो यार गाइस मैंने जो है यहाँ पे अपना सीक्रेट बेस का मार्कर लगा दिया भाई, अभी भगाते हैं भाई इस गाड़ी को, इसको रिपेयर करने की भी जो है जरूरत नहीं है, वैसे सामने से जो है पुलिस आ रही है भाई साहब। चलो भाई अच्छा चकमा दे दिया मैंने उसको भाई, पुलिस वाला यहाँ पे घूमता ही रह जाएगा भाई, मुझे पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन चलो ऑल डन है, ऑल डन, आराम से कोई दिक्कत नहीं भाई, बच जाऊंगा मैं। आगे से नहीं, थोड़ा सा और आगे जाना पड़ेगा। ओ भाई साहब वैसे लगे हाथ में जो है गाड़ी को रिपेयर भी करवा लूंगा भाई साहब। चलो 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 भाई। हाँ तो गाइस मैं जब फाइट ले रहा था भाई, पता नहीं तब जो है माइकल दादा का काफी ज्यादा कॉल आ रहा था भाई, पता नहीं आखिर हुआ क्या है। मैं जो है अभी उनको कॉल करके देखता हूँ कि आखिर हुआ मैटर क्या है भाई, बहुत ज्यादा मिस कॉल आ रहे थे मुझे, एक नहीं दो नहीं भाई 10-12 मिस कॉल आ चुके थे, पता नहीं आखिर हुआ क्या होगा, वैसे कुछ तो नहीं होगा ना भाई। बट गाइस आप लोगों ने क्या नोटिस किया कि वहां पे जो गाड़ियां थी भाई, मतलब कि ब्लैक कलर का जो आर्मर कार थी भाई साहब, मैं जो है कुछ दिनों से उस गाड़ी को हमारे इलाके में आसपास हमेशा देख ही रहा हूँ भाई। जब मैं हमारे कैश और गोल्ड जो है हमारे सीक्रेट बेस पे ट्रांसपोर्ट कर रहे थे तब देखा, और हमने जो जहाँ पे गाड़ियां रखी है भाई वहां पे भी मैंने देखा, पता नहीं आखिर ये क्या सीन है। वैसे मैं जो है गाड़ी को रिपेयर कर लेता हूँ गाइस और सीक्रेट बेस पे ही जाके मिलता हूँ आप सबसे। ओके तो गाइस जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो भाई, मैं अपनी जेट वाली कार को भगाते भगाते भाई साहब हमारे सीक्रेट बेस पे पहुंचने ही वाला हूँ, वैसे पहुंच ही चुका हूँ भाई साहब। गाड़ी जब तेज भागती है ना भाई, इसमें से वो जेट जो हम चला रहे थे ना भाई अभी, जिसको हमने जो है अटैक किया उसकी तरह आवाज हो रहा है। वैसे माइकल दादा कॉल क्यों नहीं उठा रहे भाई, मैं भी जो है 10-12 बार कॉल कर चुका हूँ। एक सेकेंड, ओ क्या वो माइकल दादा है। ओ भाई साहब हो गया भाई खेल खत्म, जो चीज में भाई साहब सोचते सोचते आ रहा था वही हुआ। ओ भाई मैं जो है यहाँ से भाग भी नहीं सकता भाई, क्योंकि माइकल दादा उनके हाथ लग चुके हैं। अगर मैंने यहाँ पे कोई चालाकी करने की कोशिश की तो भाई मैं भी यहाँ पे जाने वाला हूँ। ओ सीट यार ये तो डगन बॉस ही है भाई, मुझे पता था ये जो गाड़ी देख रहे हो ना गाइस, ये जो है कब से हमारा पीछा कर रही थी, मैं हर जगह देख रहा था इस गाड़ी को भाई। हो गया भाई गेल पीड़ी, जब मैं बाहर गया तो भाई सीधे इन लोगों ने जो है माइकल दादा को धर लिया भाई। ओ यार सीट, अभी मेरे पास भी जो है कोई रास्ता नहीं इन लोगों के
सामने सरेंडर करने के सिवा भाई साहब, चलो इससे बात करते देखते हैं कि आखिर ये चाहता क्या है भाई। हाँ तो गाइस मैंने जो है इससे बात करने की कोशिश तो की, बट ये भाई साहब मुझे पहले गाली दिया भाई, फिर उसने बोला हैंड्स अप कर उसके बाद बातचीत करेंगे। हाँ भाई मैंने भी जो है बिना कोई सवाल जवाब के सीधे भाई हैंड्स अप कर दिया, क्योंकि यहाँ से भागा तो भाई माइकल दादा को ये लोग धर के भाई फोड़, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता भाई, क्योंकि ये भी हमारे दोस्त ही हैं भाई। तो देखते हैं भाई आखिर नेक्स्ट एपिसोड में होने क्या वाला है भाई। आज के लिए बस इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना भाई, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो भाई, थोड़े से सब्सक्राइबर बढ़ा दो यार, काफी कम सब्सक्राइबर है हमारे पास। तो चलो यार गाइस थैंक यू, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।